सो हेलो गाइस, आज की ये वीडियो है हमारा डेक राउंड के ऊपर। बेसिकली मैं आप लोगों को फुल डेक का टूर पे लेके जाने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंकी आइलैंड पोर्ट साइड गेंगवे एरिया से लेके पूरा स्टारबोर्ड साइड गेंगवे एरिया, पूरा आफ स्टेशन वगैरह देख के पीछे से वापस हमारा डेक टूर ख़त्म होगा पोर्ट साइड गेंगवे एरिया पे। सो गेंगवे किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन लेडर किसको बोलते हैं, पायलट लेडर, पैसेज वे किसको बोलते हैं, विंचिस किसको बोलते हैं, फॉक्सल किसको बोलते हैं, आफ्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारे वेसल पे है रेस्क्यू बोट एंड लाइफ बोट, वो है फ्री फॉल टाइप। सो आज की इस वीडियो में मैं सभी आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँगा, रेस्क्यू बोट किस तरह दिखती है और लाइफ बोट किस तरह से दिखती है। सो जब सभी चीज़ें बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, बताऊंगा आप मस्टर्ड स्टेशन कहाँ पे है, फर्स्ट मस्टर्ड जो मेन मस्टर्ड स्टेशन है उसको, एंड सेकेंडरी मस्टर्ड स्टेशन, ऐसे दो मस्टर्ड स्टेशन रहते हैं सभी वेसल पे। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे मंकी आइलैंड से पोर्ट साइड गेंगवे एरिया टू आफ्ट स्टेशन। सो डेक पे जाना है, सो हेलमेट ज़रूरी है, सो लेट्स गो। देख सकते हो। सो फिलहाल अभी ये व्यू देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है, और मैं यहाँ से अभी नीचे उतरूँगा एंड लेट्स सी क्या होता है। पब्लिक देख रहे हो यहाँ पे काम कर रहा है। ओके 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 एंड ओके 10 मिनट्स, ये है स्टारबोर्ड साइड विंग। ओके ओके एंड यहाँ से व्यू देख सकते हो आप लोग, ये रेस्क्यू बोट है हमारा, ये स्टारबोर्ड साइड विंग है हमारा, और ज़्यादा लंबा टूर नहीं है, और ब्रिज टूर के लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सो आप लोग ब्रिज टूर का वीडियो आई बटन में देख सकते हो। पब्लिक काम कर रहा है, सो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह सा व्यू है आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड अभी काम चल रहा है, डेट्स वाई ये सब सामान यहाँ पे पड़ा है। ये हमारा पोर्ट साइड ब्रिज विंग, और MOB आप देख सकते हो यहाँ पे, मेन ओवरबोर्ड का जो रहता है नॉर्मली MOB है, ये सब फायर हाइड्रेंट वगैरह फायर बॉक्स वगैरह रहते हैं। तो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा आप लोगों को पोर्ट साइड गेंगवे की तरफ, बट ये हमारा फिफ्थ डेक का डोर है यहाँ से अंदर एकोमोडेशन में एंट्रेंस, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाज़ पे देखने के लिए। यहाँ पे फोर्थ डेक आ गए हम लोग, ब्रिज फिफ्थ डेक फोर्थ डेक, फिर मैं फ़िलहाल नीचे जा रहा हूँ। हमारा ये है थर्ड डेक, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मस्टर स्टेशन, ये हमारा मस्टर स्टेशन, ये सेफ्टी लॉकर है। सो बेसिकली ये सेफ्टी स्टोर है, इसमें सेफ्टी आइटम्स जो भी है अपना लाइफ बोट के रिलेटेड वो आपको ये वाले स्टोर में मिलेगी। ये है हमारा फ्री फॉल लाइफ बोट, साइड में से मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप इस तरह से फ्री फॉल लाइफ बोट है, आपको पूरा देखने मिलेगा। ये है हमारा फ्री फॉल लाइफ बोट, जो कि यहाँ से ये वाले लिंक पे सब जुड़ा हुआ रहता है, ये लिंक से आप निकाल दोगे ये लाइफ बोट चला जाएगा पूरा, सब लोगों को एंटर करना है इसमें। और लाइफ बोट के ऊपर, लाइफ बोट में क्या क्या चीज़ें रहती है, लाइफ बोट किस तरह से दिखता है अंदर से, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट जा रहा हूँ थर्ड डेक पे, और हो सकता है डेक पे आप लोगों को थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहेगा, मेरा आवाज़ आने में थोड़ा होपफुली दिक्कत नहीं होना चाहिए,
लेकिन होगा देन आई होप आप लोग मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये सेकेंड एक, ये है हमारा हॉस्पिटल का एंट्रेंस। हॉस्पिटल जो एक रहता है जहाज़ पे, उसका एंट्रेंस ये है। वो बेसिकली बाहर उसका एंट्रेंस रखना ज़रूरी है, कुछ कैजुअलिटी बाहर से अगर रखना है अंदर बाहर तो यहाँ पे ये है, इसीलिए डोर है बाहर। ये है हमारा फर्स्ट डेक। फर्स्ट डेक पे मैं आप लोगों को पहले रेस्क्यू बोट दिखाने के लिए लेके जाऊँगा। ये है हमारा फर्स्ट डेक का एंट्रेंस है। ये फर्स्ट डेक में मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके जाऊँगा। अपना स्टारबोर्ड साइड में है हमारा रेस्क्यू बोट। ये विंच ऑपरेट के लिए है सब, अपना पैनल वगैरह यहाँ से आप विंच ऑपरेट कर सकते हो। ये सब विंच जो भी है वो यहाँ से ऑपरेट होगा। ये है हमारा रेस्क्यू बोट। रेस्क्यू बोट का कैपेसिटी वगैरह रहता है, रेस्क्यू बोट के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आई बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आप लोगों को मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये डेविड है, ये यहाँ पे लाइफ बोट है, अपना लाइफ राफ्ट वगैरह है। ये है हमारा एम्बार्केशन लेडर। जब लाइफ राफ्ट डाल देते हैं उसके बाद हम लोगों को इसमें एम्बार्केशन लेडर रहता है, वो डाल के लाइफ राफ्ट में जाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाऊंगा अपना लाइफ बोट कैसा दिखता है। देख सकते हो फ्री फॉल लाइफ बोट है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। पब्लिक वहाँ से एंटर कर जाएगा और वो सडनली एकदम से नीचे वहाँ पे एक जो ड्राइवर का सीट रहेगा, वो हेल्पमैन के सीट के पास में एक लीवर रहता है, वो लीवर खींचेगा, वो लाइफ बोट चला जाएगा। ये है हमारा आफ्ट स्टेशन। हम लोग आफ्ट स्टेशन में फॉरवर्ड से होके आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाएगा आफ्ट स्टेशन का। सो अभी मैं ले चलता हूँ आप लोगों को पोर्ट साइड गैंगवे के ऊपर एंड वहाँ से आप लोगों को सब देखने मिलेगा। सो बेसिकली हमारा डेक टूर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये है हमारा गैंगवे एरिया, ये है हमारा मेन गैंगवे जो कि पोर्ट साइड गैंगवे है। एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड गैंगवे जैसी जो चीज़ें, गैंगवे हो गया, कॉम्बिनेशन लेडर हो गया, पायलट लेडर हो गया, वो पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड दोनों साइड में रहता है। सो ये है हमारा गैंगवे और ये गैंगवे एरिया है, ये आफ्ट स्टेशन है। फिलहाल हम लोग पोर्ट साइड से जाएंगे और स्टारबोर्ड साइड से होके आना है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे। आगे वॉइस ज़्यादा है सो मैं ज़्यादा आपको वहाँ पे कुछ नहीं समझाऊँगा, जहाँ से नॉइस कम होगा वहाँ से आप लोगों को समझाना स्टार्ट करूँगा। सो अभी देख रहे हो यहाँ पे गैंगवे एरिया पे कैमराज वगैरह भी आ गए हैं और यहाँ पे एंट्रेंस है हमारा फर्स्ट डेक का, जो अपना अपर डेक बोलते हैं उसका एंट्रेंस यहाँ पे है। यहाँ पे अपना EHQ उसका एक एंट्रेंस है। सो अभी बेसिकली यहाँ से हम लोग टूर स्टार्ट करेंगे, डेक राउंड लेके स्टारबोर्ड साइड से आएंगे। तो टूर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत साउंड है यहाँ पे हमारा एक स्टेप उधर के, ये एंट्रेंस वगैरह है यहाँ पे और ये आ गया हमारा पैसेज वे जिसको बोलते हैं। ये डेविट वगैरह रहता है जब बंकर वगैरह लेता है। ये बंकर मैनिफोल्ड है, सभी शिप पे बंकर मैनिफोल्ड रहता है, पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड। ये हमारा पोर्ट साइड बंकर मैनिफोल्ड है, अभी पैक है, इसके लिए खोल के नहीं दिखा सकता मैं। सो यहाँ पे हम लोग जो भी बंकर का लाइन्स वगैरह कनेक्ट करते हैं जहाज़ को फ्यूल लेने के लिए, वो यहाँ से लिया जाता है। और ये वाला जो डेविट है वो फ्यूल से जो लाइन जो बंकर बार जाएगा शिप साइड पर उस पर से लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा पैसेज वे, ये एक एक बे है कंटेनर पे, जो मेन चीज़ है बे बोलते हैं इसको। ये वन एक बे हो गया, ये दूसरा बे हो गया, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये है हमारा पायलट लेडर, पायलट लेडर का एरिया है ये। मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कवर करके रखा है हम लोगों ने पायलट लेडर। सो ये बेसिकली पायलट लेडर है। हम लोग जब पायलट को लेना रहता है तब यहाँ से पायलट लेडर निकाल के ये वाला इस तरह से खोल के ये पायलट लेडर यहाँ से जाता है और बाहर पायलट देख सकते हो शिप साइड पे। यहाँ से आने के लिए पायलट को इजी रहता है। सो बेसिकली पायलट लेडर ही डालते हैं ये वेसल पे, कॉम्बिनेशन लेडर नहीं डालते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन लेडर भी है यहाँ पे शिप पे।
और सभी वेसल पे नॉर्मली रहते हैं। ये है हमारा कॉम्बिनेशन लेडर, सेम एक तरह से गैंगवे जैसा ही है, लेकिन जब 9 मीटर से ज़्यादा हमारा अपना फ्री बोर्ड रहेगा तब हम लोगों को कॉम्बिनेशन लेडर डालना रहता है। हमारा ये वेसल छोटा है इसके लिए इसमें कॉम्बिनेशन लेडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है इस पर। सो ये कॉम्बिनेशन लेडर डालेगा, उसके नीचे हाफ पायलट लेडर, सो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं। सो बिल्कुल आप बिल्कुल भी मत भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ये है हमारा एक एक क्रॉस डेक में चढ़ने के लिए, ये क्रॉस डेक में इसको लेसिंग ब्रिज बोलते हैं, जहाँ से हम लोग लेसिंग्स वगैरह चेक करने जाना रहता है। मैं आप लोगों को एक लेसिंग ब्रिज के ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा। सो बेसिकली अभी ये हमारा फॉरवर्ड की ओर जाते हैं हम लोग, एंड टूर हम लोग स्टारबोर्ड साइड से आफ्ट स्टेशन होके कंप्लीट करेंगे। सो पब्लिक काम भी कर रहा है, सो उनके डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं नॉर्मली आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा। यहाँ से आप साउंड वगैरह सुन सकते हो, सब चिपिंग वगैरह चालू रहता है हमेशा, नॉर्मली जहाज़ पे चिपिंग का काम रहता ही 100%। आप देख सकते हो साउंड वगैरह आ रहा है। स्टारबोर्ड साइड से जब जाऊंगा तब आप लोगों को एक व्यू भी दिखा दूंगा, पब्लिक काम कर रहा है अंदर, कहां पे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को आइडिया आएगा कि कैसा कैसा टाइप का काम रहता है शिप पे। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं, अभी ऑलमोस्ट फॉक्सल में आ गए हैं। ये वाला साइड लाइट जो बोलते हैं वो साइड लाइट का ये है, यहाँ पे देख सकते हो उसमें रेड लाइट जल रहा है। सो ये है हमारा नेविगेशन लाइट का जो साइड लाइट है। यहाँ पे है अपना एम्बार्केशन लेडर, यहाँ पे एम्बार्केशन लेडर क्यों है वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। एक लाइफ राफ्ट भी रहता है फॉरवर्ड में, सो मैं फॉरवर्ड का राउंड लेके आप लोगों को जब स्टारबोर्ड साइड से उतरूँगा तब आप लोगों को दिखाऊँगा। ये लाइफ बॉय वगैरह का आप लोगों को मालूम ही होगा कितने कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये है विंचेस, हमारा एंकर, एंकर केबल जो बोलते हैं, एंकर केबल एंड एंकर जिप्सी, ये मोरिंग ड्रम्स वगैरह है, ये स्पेयर रोप है यहाँ पे, ये डेविट वगैरह है, इसमें से नीचे स्टोर है, बोसन स्टोर रहता है, उसमें से सामान वगैरह उठाने के लिए भी डेविट यहाँ पे दिया हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हो एक है ग्रीन कलर का जो कवर किया हुआ, वो विंच ऑपरेट करने के लिए है। और ये नॉर्मली छोटे वेसल पे फॉरवर्ड में भी रडार मास्ट रहता है, सो यहाँ पे रडार मास्ट भी है एंड रडार भी है, नॉर्मली बड़े वेसल्स पे नहीं रहता है लेकिन ये शिप पे है। वो वेसल के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ऑनर के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। सो इस तरह से पोर्ट और स्टारबोर्ड के लिए अलग अलग विंचेस रहते हैं, एंड एंकर भी सेम पोर्ट और स्टारबोर्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाऊँगा, पेंट रूम भी है यहाँ पर। और एक यहाँ पे बीच में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, एक देख सकते हो आप ये जो कंटेनर रखा हुआ है उसको फुल एरिया को एक बे बोलते हैं, ये 02 नंबर का बे है, उसके बाद 06 नंबर का बे आएगा, उसके बाद 10 नंबर का बे आएगा। सो उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के लिए मैं सोच रखा है ऑलरेडी, सो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। सो अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और भी कोई वीडियो चाहिए आप लोगों को, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे। एंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे पोर्ट साइड में लेडर था वैसे ही स्टारबोर्ड साइड में भी लेडर है, वो क्यों लेडर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा लाइफ राफ्ट, अगर वेसल मोर देन 150 मीटर है देन उस पर एक आगे भी फॉरवर्ड में छोटा लाइफ राफ्ट होना चाहिए, ऐसा IMO का रिक्वायरमेंट है। सो उस हिसाब से ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर लाइफ राफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो होल्ड वगैरह में जाने के लिए बूबी हैच बोलते हैं इसको, एंट्रेंस वगैरह सभी क्रॉस डेक में रहते हैं। मैं आप लोगों को एक क्रॉस डेक में जाके दिखाऊंगा, पब्लिक जहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे आप लोगों को आइडिया आएगा। ये है हमारा स्टोर, इसको बोसन स्टोर बोलते हैं, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, सो सभी चीज़ें डिटेल में बताना मुश्किल है। मैं एक खाली नॉर्मल आप लोगों को राउंड लेके दिखा दूंगा कि कुछ इस तरह का स्टोर रहता है, बहुत बड़ा स्टोर रहता है। सो वेसल के ऊपर डिपेंड है कौन से टाइप का बड़ा, कितना वेसल है, कितना छोटा वेसल है, उसके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे है देख सकते हो बहुत सारे वार्निंग्स लिखे हुए हैं, एनक्लोज स्पेस एरिया ये है वो है वो सब, क्योंकि ये है हमारा जो एंकर केबल जिसमें रहता है वो वाला एरिया है। सो ये बहुत ही डेंजर है, सो ये हमेशा बंद रहता है, ड्राई डॉक वगैरह में ओपन होता है ओनली। एंड मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊँगा पेंट स्टोर,
ये है हमारा पेन स्टोर, ये वेसल पे बहुत ही छोटा पेन स्टोर है, वो भी ऑनर के ऊपर डिपेंड है। सो पेंट वगैरह देख सकते हो आप, इस तरह से पेंट स्टोर में पेंट वगैरह दिया गया है। और आप लोगों को एक नॉर्मल चीज़ तो मालूम ही होगा, जब भी पेंट स्टोर आप दूसरे दिन आके ओपन कर रहे हो या फिर दो तीन घंटे के बाद ओपन कर रहे हो, देन आप लोगों को पेंट स्टोर ओपन करने के साथ यहाँ पे ब्लोवर वगैरह रहता है, वो ब्लोवर ऑन करने के बाद 5 मिनट के बाद ही एंटर करना है, बिकॉज जो पेंट का गैसेस वगैरह रहता है, वो फ्यूम्स वगैरह, वो बहुत डेंजर है अपना बॉडी के लिए। सो ये सभी रिक्वायरमेंट है। सो उसी हिसाब से जब भी वेसल पे रहते हो सेफ्टी से काम करना है आप लोगों को। एंड जैसे वो साइड में रेड लाइट था, वैसे यहाँ पे स्टारबोर्ड साइड में देख सकते हो ग्रीन लाइट है। सो ये हमारा स्टारबोर्ड साइड नेविगेशन लाइट, उसको साइड लाइट जिसको बोलते हैं वो है। ये सब छोटे छोटे पॉकेट्स दिए गए हैं, वो लेसिंग मटेरियल रखने के लिए दिए गए हैं, देख सकते हो छोटे छोटे पॉकेट्स। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको क्रॉस डेक पे चढ़ के, कि ये बहुत सारे लेडर्स सबको बीच में मिलेंगे, वो क्यों होते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पब्लिक भी यहाँ पे काम कर रही है। कंप्लीट करेंगे हमारा जो डेक टूर बोलते हैं उसको। और जहाज़ पे सब काम स्पेशली एयर के ऊपर होता है, सो एयर सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है शिप पे। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा होस डाल रखा है उन लोगों ने। सो ये होस डाल रखा है और एयर गन रहते हैं, जो भी गन्स वगैरह शिपिंग गन रहते हैं वो एयर से यूज़ होने वाले रहते हैं। सो जो पब्लिक काम करके थोड़ा सा थक जाती है, डेट्स वाई वो पब्लिक बैठे हुआ था, मैं जस्ट मजाक के लिए बोल दिया कि गाला मार रहे हैं, गाला मतलब कि टाइम पास कर रहे होता है। एंड आगे देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपना, हम लोग फिलहाल पहुँच गए हैं स्टारबोर्ड साइड गैंगवे पे। एंड आप देख सकते हो व्यू वगैरह कुछ इस तरह से दिखता है जहाज़ का। सो ये अपना गैंगवे नेट है, सभी वेसल पे रहता ही है, गैंगवे डालने के बाद उस पर नेट डालना ज़रूरी है, वो रिक्वायरमेंट है। ये है हमारा स्टारबोर्ड साइड कॉम्बिनेशन लेडर, जैसा हम लोगों ने दूसरे साइड देखा था ऐसा ही सेम यहाँ पे भी है कॉम्बिनेशन लेडर। सो ये सभी, ये वेसल पे इलेक्ट्रिक है, कुछ कुछ वेसल पे न्यूमेटिक रहते हैं। सेम यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि दोनों साइड सेम रहना चाहिए, वैसा ही यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पायलट लेडर है, देख सकते हो यहाँ पे भी कवर करके रखा हुआ है। सो ये है हमारा स्टारबोर्ड साइड पायलट लेडर। एंड बीच में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, वो मैंने बताया नहीं है। सो जो भी चीज़ के बारे में आप लोगों को पूछना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल मेक वीडियो ऑन डेट ऑल्सो। एंड यहाँ पे सेम जैसे वो साइड पे दिखाया था वैसा ही बंकर मैनिफोल्ड देख सकते हो, ये स्टारबोर्ड साइड पे हो गया, और सेम बंकर डेविड भी है यहाँ पे स्टारबोर्ड साइड का। एंड अभी यहाँ पे आके साउंड होगा, इसके लिए मैं आपको यहीं से थोड़ा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे सुएस केनाल रूम है, जैसे कि सुएस केनाल का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे बोट आएगा उसका 3-4 लोग आएगा, तो उनके लिए फैसिलिटी होना चाहिए सभी शिप पे जो कि सुएस केनाल क्रॉस करता है। सो ये भी सुएस केनाल क्रॉस कर सकता है, इसके लिए इसमें भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम दिया हुआ है। सो मैं आप लोगों को सुएस रूम भी दिखा दूंगा। सुएस केनाल के पब्लिक जब सुएस केनाल क्रॉस करते हैं उन पब्लिक के लिए है स्पेशल रूम। सो अभी यूज़ हुआ था इसके लिए, थोड़ा देख सकते हो बहुत डर्टी हो चुका है, सो क्लीनिंग बाकी है अभी फ़िलहाल। एंड मैं अभी आप लोगों को ले चलूँगा हाफ स्टेशन के ऊपर। सेम यहाँ पे भी एंट्रेंस है,
जैसे पोर्ट साइड में था वैसा ही स्टारबोर्ड साइड में भी एंट्रेंस है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक क्रेन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मोनोरेल, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी सामान आता है, जो भी अपना आइटम्स वगैरह आता है, वो उसी से यूज़ करना है। और ये हम लोग आ गए हमारे स्टारबोर्ड साइड गैंगवे एरिया पे। ये स्टारबोर्ड साइड गैंगवे है, सेम हम लोगों ने पोर्ट साइड जैसे देखा वैसे स्टारबोर्ड साइड में भी है। ये सिस्टम देख सकते हो, ये न्यूमेटिक है, एयर से यूज होने वाला है। वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लेटर देखा था वो इलेक्ट्रिक वाला है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती है सभी शिप पे। और यहाँ पे एंट्रेंस है हमारा अंदर जाने के लिए, जो अपर डेक का एंट्रेंस। यहाँ पे हमारा इमरजेंसी जनरेटर रूम है, सभी शिप पे इमरजेंसी जनरेटर रहता ही है। सो मैं बाहर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ, अगर चाहिए तो आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। ये है हमारा जहाज़ का इमरजेंसी जनरेटर, ये पूरे रूम को बोलते हैं इमरजेंसी जनरेटर रूम। ये आप देख सकते हो बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं यहाँ पे, फोन्स वगैरह रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शिप पे। सो अभी फ़िलहाल हम लोग लास्ट चीज़ है हमारा आफ्ट स्टेशन। सो आफ्ट स्टेशन का व्यू मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, एंड देन हमारा वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो पोर्ट साइड विंच वगैरह, स्टारबोर्ड साइड विंच वगैरह, और सेंटर में विंच थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, वो पोर्ट साइड विंच है, ये सेंटर वाला विंच है, एंड ये वाला स्टारबोर्ड साइड विंच है। ऑपरेटिंग के लिए वहाँ से आप देख सकते हो ऊपर से ऑपरेट होता है यहाँ पे, और सेम पैनल वहाँ पे भी दिया हुआ है। सो सभी शिप पे डिफरेंट डिफरेंट रहता है, डिपेंड्स ऑन शिप है, किसी किसी में एक ही जगह से पूरा ऑपरेट होता है। और ये है हमारा इंजन रूम का एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग इंजन रूम एंट्री भी कर सकते हैं। ये आफ्ट का जो पूप डेक का बोलते हैं एंट्रेंस वो है, बाकी जो मेन एंट्रेंस वगैरह है वो हमारा अपर डेक पे रहता है। सो एकोमोडेशन के अंदर का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ये इमरजेंसी एंट्रेंस है। जब भी इमरजेंसी होती है जहाज़ पे, ये एस्केप नीचे से आप जब एस्केप करना है एकदम बॉटम प्लेटफॉर्म तक ये जाता है दरवाज़ा। सो अगर इनकेस फायर वगैरह हो गया तो आप इमरजेंसी डोर से आना है तो यहाँ से डायरेक्टली पूप डेक पे आ सकते हो। सो ये था हमारा आफ स्टेशन, इसमें देख सकते हो ये नेविगेशन लाइट वगैरह है। और ये हमारा हो गया फ्री फॉल लाइफ बोट। सो फिलहाल बाकी के जितने भी चीज़ में आपको दिखा सकता था उतना दिखा दिया है, एंड जहाँ से टूर स्टार्ट किया था हम लोग वापस वहीं पे आ गए हैं। सो ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, बिकॉज हमारा डेक टूर हो चुका है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगे। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप जैसे ही लाइक करते हो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा फील होता है। एंड हमारा फिलहाल 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, 2K फैमिलीज हो गई हमारी यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।